हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश सर, साइंस स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स की तरफ से आपका स्वागत है। मैं बीटेक बीएससी की मैथ्स की क्लास ले रहा हूं। इसमें मैं फूरियर सीरीज आपको करवा रहा हूं और साथ साथ आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी चल रहे हैं। तो अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखना चाह रहे हैं तो मैं इसके डिस्क्रिप्शंस में या आई बटन्स में मैं लाप्लास का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से आप लाप्लास सीरीज देख सकते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म देख सकते हैं। फूरियर सीरीज में ऑलरेडी मैंने बेसिक्स फॉर्मूले बता चुका हूँ और उसके कुछ क्वेश्चंस करवा रहे हैं। फूरियर सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ इवन एंड ऑड फंक्शन, या उसको बोलिए कोसाइन सीरीज एंड साइन सीरीज। तो सबसे पहले फूरियर सीरीज के कोसाइन और साइन सीरीज के क्या फॉर्मूले होते हैं, कैसे क्या आते हैं, वो बताने से पहले मैं आपको इवन एंड ऑड फंक्शन का कुछ बेसिक्स आपको मैं बेसिक बताना जा रहा हूँ, इसमें इवन फंक्शन क्या होता है और ऑड फंक्शन क्या होते हैं, ताकि आप फूरियर सीरीज के क्वेश्चंस अगर साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज पर बेस्ड बनाए तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि दैट इज इवन या ऑड फंक्शंस हैं। और अगर आपको मेरे चैनल अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर से दें कैसा क्या लग रहा है। और अपने तरफ से कोई टॉपिक्स भी लिख सकते हैं जो आपकी डिमांड हो, जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, या वो टॉपिक जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं मैं उसके वीडियो सबसे पहले बना के यूट्यूब पे डाल दूंगा। इवन और ऑड, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इवन और ऑड चेक कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ इवन फंक्शन के लिए, क्योंकि ये बेसिक जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो क्वेश्चंस में आपको हेल्प हो जाएगा। तो जैसे एफ माइनस एक्स इक्वल टू अगर एफ एक्स हो जाए तो दिस इज़ द कंडीशन फॉर इवन फंक्शन। अब मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ तो और आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि भाई क्वेश्चन जब आएंगे तो उसको चेक कैसे करना है। तो जैसे अगर एफ एक्स इक्वल टू मैंने लिया एक्स स्क्वायर, तो एफ माइनस एक्स पुट किया तो दिस इज माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एफ माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट इज एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। तो दिस इज सेटिस्फाई द कंडीशन फॉर इवन फंक्शन, मतलब एक्स स्क्वायर जो है वो इवन फंक्शन है। एक और मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ, अगर एफ एक्स बराबर ए अल्जेब्रिक ले लिया, एक एग्जांपल मैं ट्रिगो का ले लेता हूँ कॉस एक्स, तो यहाँ भी वैसे ही करना है, एफ एक्स की प्लेस पे आप माइनस एक्स रखें तो कॉस माइनस एक्स, और आपने ट्रिगो में पढ़ा है कि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स को क्या माने थे, एफ एक्स। तो दिस इज आल्सो सेटिस्फाई द कंडीशन फॉर इवन फंक्शंस के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कॉस एक्स इज आल्सो इवन फंक्शन। तो बेसिकली आप इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आइदर दिस इज इवन फंक्शन और नॉट इवन फंक्शंस। मैं ग्राफ भी बता देता हूँ, ग्राफ के थ्रू भी आप जैसा भी चेक करें तो आपको मालूम है कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, दिस इज द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ग्राफ मतलब इससे क्या हो रहा है, इवन फंक्शन का ग्राफिकल डेफिनेशन क्या होता है, हो रहा है कि इट इज़ सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। अगर कोई ग्राफ वाई एक्सिस के बाद सिमेट्रिक हो तो इवन फंक्शन होता है। और अगर मैं कॉस एक्स की बात करूं तो कॉस एक्स का ग्राफ क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ कॉस एक्स। तो ये भी आपको वही चीज़ है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, दैट इज कॉल्ड इवन फंक्शन। तो इस तरीके से आप इवन फंक्शन चेक कर सकते हैं। अब अगर मैं ऑड फंक्शन की बात करूं कि ऑड फंक्शन कैसे चेक करना है, तो ऑड फंक्शन आपकी बात करें तो ऑड फंक्शन क्या होता है, एफ माइनस एक्स इक्वल टू अगर माइनस एफ एक्स आ जाए तो इसको बोलेंगे दिस इज द ऑड फंक्शन। इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो एक्स की प्लेस पे आप क्या रखें, माइनस एक्स रखें, तो दिस इज माइनस एक्स का क्यूब, तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का क्यूब, दिस इज एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करा, दिस इज सेटिस्फाई द कंडीशन फॉर ऑड फंक्शन, डैट इज एक्स क्यू इज द ऑड फंक्शन। एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं, जो कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय ज़्यादातर यूज में आते हैं, साइन एक्स, तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आपका साइन माइनस एक्स,
दैट इज एफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, दैट इज एफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो रहा है, माइनस ऑफ एफ एक्स, मैंने दिस इज सेटिस्फाई द कंडीशन फॉर ऑड फंक्शन। तो मतलब एक्स साइन एक्स भी क्या होगा आपका, ऑड फंक्शन हो गया। अगर मैं ग्राफ के थ्रू बताना चाहूँ तो एक्स क्यू का ग्राफ क्या होता है, कुछ इस तरीके से, दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स क्यू। इससे क्या इन्फॉर्मेशन निकल रहा है, दिस इज सेमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन, ये ऑरिजिन के अबाउट सेमेट्रिक है। मतलब इसमें क्या लिख सकते हैं, ऑड फंक्शन में दिस इज सेमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन, सेमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन, इट इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। अगर मैं साइन एक्स की ग्राफ बताऊँ तो साइन एक्स का ग्राफ आपका कैसा हो जाएगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। मतलब इससे भी क्या इन्फॉर्मेशन निकल रहा है, दिस इज सेमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन, दैट मीन्स ऑड फंक्शन इज सेमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इवन ऑड आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। अब मैं इसमें आपको बता रहा हूँ कि भाई फूरियर सीरीज में इसको यूज कैसे करेंगे, इवन और ऑड फंक्शन को। देख, आपके पास जो फूरियर सीरीज का फॉर्मूला था, बेसिकली क्या फॉर्मूला था, एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस समेशन ऑफ एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस समेशन ऑफ एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स, ये आपके फॉर्मूले थे फूरियर सीरीज का। तो पहले देखते हैं कि एफ एक्स इज इवन फंक्शन, एफ एक्स इज इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन के लिए फूरियर सीरीज के फॉर्मूला को आप चेंज कर रहे हैं तो करते हैं। तो ए नॉट का फॉर्मूला क्या था आपका, वन अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई दिस इज एफ एक्स डी एक्स, ये फॉर्मूला था। अब क्या है आपका, एफ एक्स इवन है, एफ एक्स इवन है। तो आपने इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला आपको मालूम होगा कि अगर लिमिट माइनस ए से ए है, एफ एक्स डी एक्स है, तो क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन टू टाइम्स हो जाता है, जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, अगर एफ एक्स इवन हो, और ऑड में क्या होता है, जीरो। तो ये कब के लिए है, जब एफ एक्स इज ऑड हो, और एफ एक्स ए कब के लिए है, जब एफ एक्स क्या हो, इवन हो। यहाँ तो फिलहाल एफ एक्स इवन है तो टू बाय पाई जीरो टू पाई एफ एक्स डी एक्स। मतलब जब अगर कोई क्वेश्चन इवन आ जाए तो आप ए नॉट कैसे निकालिएगा, इस वाले फॉर्मूले से नहीं निकालना है आपको, इस वाले फॉर्मूले से निकालना है, टू बाई पाई जीरो से पाई एफ एक्स डी एक्स। अब अगर ए एन की बात करें तो ए एन कैसे निकालिएगा, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पाई से पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। अब यहाँ क्या आपको दे रखा है कि आपके पास क्या है कि एफ एक्स जो है ये इवन फंक्शन है, और कॉस एक्स भी अभी आपको बताया दिस इज आल्सो इवन फंक्शन। तो दो इवन फंक्शन का प्रोडक्ट हमेशा इवन फंक्शन ही होता है। तो दिस इज टू बाई पाई ये हो जाएगा जीरो से पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स। मतलब यहाँ अगर आपको क्वेश्चंस में इवन फंक्शन चेक हो जाए तो एन का आप इस फॉर्मूले से नहीं निकालिएगा, इस फॉर्मूले से निकालिएगा, क्योंकि दो इवन का प्रोडक्ट दिस इज इवन। अगर मैं इसको बी एन की बात करूं तो बी एन का फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन पाई माइनस पाई से पाई दिस इज एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अब यहां आपको क्या दे रखा है, बेसिकली क्या दे रखा है आपको कि एफ एक्स जो है वो इवन है और साइन एक्स क्या है आपका, ऑड है। तो इवन और ऑड का प्रोडक्ट हमेशा ऑड होता है। तो आपके फॉर्मूले यहाँ चेंज होके क्या हो जाएंगे, ओवरऑल क्या है, पूरा ऑड है। तो ऑड का इंटीग्रेशन, जब एफ एक्स ऑड रहता है तो इंटीग्रेशन क्या होता है, जीरो जीरो। मतलब अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फूरियर सीरीज का, अगर आपको चेक हो जाए कि दिस इज द इवन फंक्शन, तो उस केस में आपको क्या है कि बी एन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ए नॉट और ए एन से। डैट मीन्स फूरियर सीरीज का फॉर्मूला आपको चेंज होके क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस समेशन ऑफ एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी एन कॉस एन एक्स, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। मतलब बी एन जीरो हो गया,
तो अगर इवन फंक्शन हो या कोसाइन सीरीज निकालना हो तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब ऑड के लिए देखते हैं कि क्या 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 कंडीशंस होंगे। आपका एफ एक्स हो, एफ एक्स इज ऑड फंक्शन हो, एफ एक्स क्या हो आपका ऑड फंक्शन हो, तो ए नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स। अब आपका एफ एक्स ऑड हो तो इंटीग्रेशन मालूम है कि अगर माइनस ए से ए हो, एफ एक्स डी एक्स से हो, अगर एफ एक्स इवन होता है तो ए टू टाइम्स हो जाता है, जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, और अगर ए ऑड हो तो जीरो हो जाता है। मतलब यहाँ एफ एक्स क्या है आपके पास इवन है, और यहाँ क्या है आपके पास एफ एक्स इज ऑड हो। तो फिलहाल अपने को तो क्या यहाँ ऑड करना है, तो मैंने इसका इंटीग्रेशन जीरो हो गया। एन का क्या फॉर्मूला होता है, वन अपॉन पाई माइनस पाई से पाई दिस इज एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। तो फिलहाल इसमें आपको क्या दे रखा है, एफ एक्स तो आपका ऑड है और कॉस एन एक्स है इवन है, तो ऑड इवन का प्रोडक्ट बेसिकली क्या हो जाएगा आपके पास ऑड हो जाएगा, डैट मीन्स इसका इंटीग्रेशन जीरो। एन का फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो इसमें बेसिकली क्या, इसमें क्या दे रखा है आपके पास कि एफ एक्स है ऑड है और साइन एन एक्स भी ऑड है, तो दो ऑड का मल्टीप्लिकेशन हमेशा इवन होता है। तो इस केस में क्या करेंगे, बेसिकली ए टू टाइम्स हो जाएगा, टू बाई पाई जीरो से पाई एफ एक्स डी एक्स। मतलब अगर क्वेश्चन चेक करने में अगर आपको आ जाए कि दिस इज द ऑड फंक्शन तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अगर एफ एक्स ऑड है तो ना तो ए नॉट निकालने की जरूरत पड़ेगी ना तो एन निकालने की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ बी एन से काम चल जाएगा, और अपना जो फाइनल फूरियर सीरीज का फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू समेशन ऑफ एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। कब के लिए है, जब एफ एक्स आपका ऑड फंक्शन हो। तो फूरियर सीरीज का आपका कोई भी क्वेश्चन हो, जो कि मैं पहले वाले पार्ट में भी करवाया हुआ, हर एक क्वेश्चन को सबसे पहले आप इवन ऑड चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा फायदेमंद हो। अगर इवन चेक करेगा तो बी एन निकालने का टाइम बच जाएगा, क्योंकि बी एन जीरो हो जाता है, और अगर ऑड आ जाता है तो आपको ए नॉट और एन निकालने का टाइम बच जाएगा, क्योंकि ए नॉट और एन जीरो हो जाता है, सिर्फ बी एन निकालिए और काम आपका बन जाएगा। तो ये मैंने कुछ आपको इवन ऑड के बेसिक्स कंसेप्ट बताएं, और फूरियर सीरीज में फूरियर सीरीज का फॉर्मूला इन केस ऑफ इवन ऑड फंक्शन या कोसाइन एंड साइन सीरीज के केस में बताया। तो एक बार आप इसको अच्छे से रिवीजन कर लें, मैं नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके इवन और ऑड या बोलिए कोसाइन एंड साइन सीरीज के आपको कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। आप चाहे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के भी देख सकते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के भी मैं लेक्चर डाल रहा हूँ।